क्या हम यहाँ रुकेंगे या अमीरुल मोमिनीन? आप कुछ परेशान हैं या अमीरुल मोमिनीन? मैं शुक्रगुजार हूँ जहाँ के उस मालिक का जो मेरी आजमाइश ले रहा है। बेशक वो सबको आजमाता है, बेशक वो एक है और उसका कोई शरीक नहीं। वो जगह देख रहे हो? पहले मैं वहां ऊंट चराया करता था। मेरे बाबा एक तंग दिल और सख्त मिजाज के इंसान थे। गलती ना होने पर भी बहुत ज्यादती करते थे, मगर आज मैं ऐसे मुकाम पर हूं जहां मेरे और मेरे खुदा के बीच में कोई नहीं है। नबी के मिशन से 6 साल पहले नौजवान, क्या हम अपने प्यासे घोड़ों को यहाँ पानी पिला सकते हैं? कौन हो तुम लोग? हम खुजा कबीले से हैं। ना कहूं तो? तो हम यहां से चले जाएंगे, शायद कोई नेक इंसान हमारी मदद कर दे। जब मैं अपने ऊँटों का कारवा यहाँ से ले जाऊं तो तुम अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए ले आना। एक नेक दिल इंसान नरम दिली को पसंद करता है। इस नेक इंसान का नाम उमर इब्ने अल खत्ताब। कुरैश में कौन सा कबीला? तुम्हें कैसे पता कि मैं कुरैश कबीले से हूँ? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। हदिया कबीले से, बहुत नेक लोग हैं। मैं आपकी जरूरत के मुताबिक कुछ लकड़ियां ले आया था। सुनो, पहले अंदर आ जाओ, पहले कुछ खा लो। नहीं, अभी नहीं, अभी ये लकड़ियां मुझे और बाकी जगह भी पहुंचानी है, और उसके बाद मुझे ऊँटों के पास भी वापस जाना है। तुम्हारे अब्बा तुमसे बहुत काम लेते हैं, मैं उनसे बात करूंगी। आप तो जानती हैं मैं काम से बिल्कुल नहीं घबराता। वो तो तुम हो ही बेटा, ऊपर वाला तुम्हें खूब सलामती और तरक्की दे। उमर जरा एक सुनो,
ये कुछ खजूरे हैं, रख लो, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। तुम इस वक्त घर कैसे आ गए? ऊंट कहाँ है? मैं अपनी खालाओं के लिए कुछ लकड़ियां लेकर आया था। ऊंट कहाँ है? आपके ऊंट बिल्कुल ठीक हैं। क्या ऊंटों से पहले आपको मेरे बारे में नहीं पूछना चाहिए? आपका अपना बेटा? अगर मेरे ऊंट ठीक है तो मेरा बेटा भी ठीक है। तो मुझ पर भरोसा रखिए, आपके ऊंट मंजानन घाटी में बिल्कुल ठीक है। मैंने उनको तब तक नहीं छोड़ा जब। किसने कहा तुम्हें यहाँ आने को? कोई और उन्हें लेके भाग गया तो? कौन ऐसी जरूरत करेगा जब उस पे आपका अपना निशान मौजूद है? अल खत्ताब का वो रुतबा नहीं रहा जो उतबा इब्ने रबिया का है, या अल वलीद इब्ने अल मुगीरा सरदार मखजूम, या तो क्या हम कुरैश कबीले से नहीं है जो सभी कबीलों का सरदार है? सही कहा, मगर जब से सारे अरबी हमसे दुश्मनी रखने लगे और हमारे लोगों ने हमारा साथ दिया, तब से हमारी स्थिति पहले जैसी नहीं रही। अब ऐसा रुतबा या तो हाशिम कबीला या मखजूम कबीला या जुम्मा कबीले का है, और वैसे भी लोगों का रुतबा या तो उनकी माल दौलत या तिजारत से बढ़ता है। और अगर तुम यहाँ खड़े रहकर मुझसे बहस करोगे और तुम्हारे बाप के ऊँट कोई और ले गया तो? आपने अभी दौलत और तिजारत की बात कही, क्या मैं कुछ तिजारत कर सकता हूँ? क्या कहा, तुम तिजारत करोगे? पैसा कहाँ से लाओगे? अपने अब्बा से, यानी अल खत्ताब। अल खत्ताब का पैसा मरते दम तक अल खत्ताब का है और उसमें कोई भी शरीक नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा बाप सोने और चांदी के खजाने पे सोता है? आप मुझसे हमेशा एक नौकर की तरह पेश आते हैं, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? अगर तुम मुझसे यहाँ खड़े रहकर बहस करते रहोगे और मेरे ऊँट कोई और चोरी करके ले गया तो जान लो तुम मेरे बेटे भी नहीं रहोगे। मुझे सारी रात उस घाटी में गुजारनी है, तो क्या मैं कुछ खाऊं भी ना, और रात के लिए भी मैं कुछ बांध के लेके जाना चाहता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? अगर यहीं रहकर आराम करते रहोगे तो वहाँ घाटी में कब पहुँचोगे? आपको नहीं लगता मैं इतनी दूर का सफर तय करके मक्का पहुँचा हूँ? कम से कम मेरा नहीं तो इस गधे का तो ख्याल कीजिए, इसको भी आराम की जरूरत है। तुम आखिर यहाँ आए ही क्यों थे? क्या मैंने कहा था तुमसे तुम अपनी खाला के लिए लकड़ियाँ लेकर आओ? क्या मुझे अपनी खाला की बात नहीं माननी चाहिए थी? तुम्हें अपने बाप की बात माननी चाहिए थी। वो हमसे अलग तो नहीं है? मैंने अगर अपनी खाला की बात मानी तो इसका मतलब ये। यहाँ से जल्दी जाओ, जाओ। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं कुछ अर्ज करूँ अब्बा जी। क्यों ना आज रात आप उमर को यहाँ आराम करने दीजिए और इनकी जगह मैं जाकर ऊँटों को चरा के आता हूँ। तुम ऊँटों को चराओगे? आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मजाक बना रहे हैं? दोनों में से कुछ भी नहीं, लेकिन जो तुम्हारा भाई कर सकता है वो तुम नहीं कर सकते, और जो तुम कर सकते हो वो तुम्हारा भाई नहीं कर सकता। जो अपनी जबान का पक्का है उसे कभी नकारा नहीं जा सकता, और जो मजबूती के साथ अपने पांव जमाता है वो कभी लड़खड़ा नहीं सकता, और जो मौत से डरता है मौत उसे उतना ही डराएगी। अगर किसी के पास दीन और दुनिया की दौलत है और वो अपने लोगों की ही मदद ना करे, उसका हश्र बहुत बुरा होगा। अरे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कोई बुरी खबर लाए हो क्या? मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाया था। तुमने इतनी दूर का रास्ता तय किया सिर्फ मेरे खाने के लिए? पर मैंने अपनी भूख शांत कर ली है। सच बताऊं तो मैं रोज रोज की उन मीटिंग से उकता गया था, वहाँ सिर्फ हमारे पुरखों की तारीफें और तिजारत की ही बातें होती हैं। यहाँ तुम बिल्कुल सही जगह बैठे हो, सिवाय इसके कि अल खत्ताब तुमसे बहुत काम लेते हैं। मैं काम से नहीं घबराता। खुली जगह में जीवन आपको तेज विचार, दृष्टि, शुद्ध भावनाओं और निर्विरोध प्रकृति की स्पष्टता देता है। यदि आप पशुओं के झुंड के साथ काम करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उन्हें उचित व्यवस्था की जरूरत है। आप जल्द ही उन्हें व्यक्तिगत रूप में पहचान सकेंगे। हर किसी के अपने तरीके, गुस्सा
क्षमता और जरूरतें होती हैं। हर कोई अपने झुंड में रहता है, लेकिन कोई भी दो जानवर एक समान नहीं होते। अगर आप इस बात को पूरी तरह जान जाते हैं तो आप उन्हें एक झुंड के रूप में व्यवस्थित कर देते हैं, मगर जब आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखते हैं तो आप उनसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चों से करती है। हालांकि अगर ये एक झुंड पर लागू होता है तो ये कानून लोगों पर भी लागू होता है। उनका जीवन तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उनके मामलों की व्यवस्था करने के लिए ऐसे लोगों जो उनके जीवन को एक सही राह पर ले जाए। एक भेड़िया केवल एक भेड़ को अकेले देखकर ही उस पर हमला करता है। यदि लोग एक साथ रहें तो प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व बुद्धि होती है और वो एक दूसरे को व्यवस्थित कर पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों को कभी एक दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोगों के यही मतभेद उन्हें साथ लाने में मदद करते हैं। हालांकि तुम्हारी उम्र कम है, मगर तुम बहुत होशियार हो उमर। अपने ही लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये क्या है? तुमने कहा था ना तुम्हें तिजारत करना पसंद है। कुरेशियों का एक कारवां सीरिया जा रहा है, जाओ उनके साथ और अपने सपनों को पूरा कर। और जब तुम वहां से वापस आ जाओ तो मुझे उनके महलों, खेत खलिहानों और खूबसूरत लड़कियों के बारे में बताना। मेरे दोस्त उमर गस्सान के सरदार, संभल के भाई, अगर खलीफा गस्सान ने सुन लिया ना बादशाह से मेरी शिकायत कर देगा, और मैं तो बस एक व्यापारी हूँ। एक व्यापारी? और सब मेरे दोस्त उमर कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। मक्का में सब कैसा है? ठीक है, इनसे मिलो, ये मेरे कुछ बेजंतानी दोस्त हैं और तिजारत में मेरे भागीदार भी। मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में बताया है ये कहकर कि तुम एक बहुत ईमानदार शख्स हो और अपना सामान ज्यादा दामों पर नहीं बेचते। तुमने तो मेरा सामान भी नहीं देखा और अभी से मोल भाव करने लगे जैसा तुम हमेशा करते हो। तुमने तो अभी से मेरी तारीफें करनी शुरू कर दी ताकि मैं तुमसे मोल भाव ही ना कर सकूं। तुम्हें लगता है कि उमर तुम्हारी बातों में आएगा? मैं ज्यादा दाम नहीं मांगूंगा और तुम भी ऐसा ही करोगे। मैं यहाँ अपना सामान बेचने आया हूँ ताकि तुम्हारा सामान खरीद सकूँ और तारीफ के बदले में तारीफ ही मिलेगी। क्या तुम अपने इन बेजंतीनी भाइयों की तरफ से मोल भाव कर रहे हो? तुम्हें तो मेरी तरफ से बोलना चाहिए क्योंकि तुम और मैं एक ही शहर से हैं। और तुमने सही कहा, लेकिन अब मैंने इनका दीन अपना लिया है और मैं यहाँ का नागरिक हूँ। क्यों ना तुम भी कुछ ऐसा ही कर लो और फिर तुम मेरे दोनों तरफ से भाई हो जाओगे। क्या पता मैं कल तुम्हें बेजंतीनी बादशाह से मिलवा दूँ और तुम्हें कुछ फ़ायदा हो जाए।
अगर ऐसा होता है तो तुम यही रहोगे और मेरे भाई बनकर रहोगे। सीरिया में रहने का अपना अलग ही मजा है। यहाँ के बाग बगीचे और हरियाली अरब की रेतीली जिंदगी से कहीं बेहतर है। बस बस, तुम तिजारत की बात करने आए थे, आओ तिजारत ही करते हैं। ठीक है, तुम क्या लाए हो हमारे लिए? मेरे पास बेहतरीन इत्र, गोंद, खुशबू, खजूर और यमन का कुछ सामान है। क्या तुम अभी सीने में बना हाथी दांत का कुछ सामान लाए हो? नहीं, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे मैं ये ला सकता हूँ। और आबनूस? वो भी। जैसा मैं कहता हूँ, वो सामान तुम अपने दोस्तों से इकट्ठा करो और बदले में मैं तुम्हें उस पर ज़्यादा मुनाफा दूंगा। लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। तुम चाहते हो कि मैं अपने दोस्तों को धोखा दूँ और खुद फ़ायदा कमा लूँ, जबकि ऐसा करके तुम अपने ही लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हो। ऐसा करके तुम सारा माल इकट्ठा कर लोगे और उसे मन चाहे दामों पर बाजार में बेचोगे। मैं सिर्फ हक की बात करता हूँ और मैं इस बात का भी ख्याल रखूँगा कि मेरा कोई दोस्त तुम्हारे साथ इस तरीके से सौदा ना करे। अगर तुम किसी के साथ धोखा करोगे तो कल तुम्हारे साथ भी धोखा होगा। क्या तुम्हारे दीन ने तुम्हें यह सिखाया है उमर? मेरा मतलब जिन बुतों की तुम पूजा करते हो। अगर मुझे मेरे दीन ने भी ये नहीं सिखाया होता तो मेरी ईमानदारी और मेरे अखलाक इसकी इजाज़त नहीं देते। और तुम्हारा दीन क्या कहता है? क्या पैसा ही तुम्हारा दीन हो गया है? और एक अरबी होने के नाते तुम्हारी ईमानदारी कहाँ गई? या उसे भी बेचकर खा गए जब से इन बीजान्तीनी लोगों से जुड़े हो? मुझे लगता है सीरिया में आने से अरबी लोग मुझसे जलने लगे हैं। हमारी हुकूमत अरबों पर भी है और हम सबसे ताकतवर लोग हैं। तुम अपना ये रोब अपने ही लोगों पर दिखा रहे हो, जबकि बीजान्तीनी लोग तुम पर अपना रोब जमाते हैं और वो जब चाहे जैसे चाहे तुम्हें अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्या उन्होंने अपनी हुकूमत में कोई तुम्हें ओहदा दिया? हम तुमसे कैसे जल सकते हैं? जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें दमस्कस ले जाऊंगा और वहाँ के हसीन नज़ारे देखकर तुम वाकई मुझसे जलने लगोगे। तुम दोनों अंधे हो क्या? देख कर नहीं चल सकते? तुमने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? वो एक बीजंतीनी सिपाही है। ओह, अब मैं समझा मुझे तुमसे क्यों जलना चाहिए। नबी के मिशन से एक साल पहले
क्या 10 दिरहम? ये तो बहुत ज्यादा है। यकीन मानो मुझे इस पे सिर्फ आधे दरहम का ही फायदा हो रहा है, बाकी तुम्हारी मर्जी, लो या ना लो। ये कैसा माल बेच रहे हो तुम सफवान साहब? सिर्फ 1 और 2 दरहम के लिए तुम इस हसीना को नाराज कर रहे हो? मालिक, मैं तो बस आपका एक छोटा सा खादिम हूँ, तो आपके अब्बा ने ही मेरे लिए दाम तय किए हैं, इसलिए मैं इन्हीं दामों पर ही बेचता हूँ। ठीक है, इस हसीना को उतने में ही दे दो जितने में ये खरीदना चाहती है। जैसा आप कहें मालिक। अगर तुम इसी तरह अपनी दौलत इन हसीनाओं पर उड़ाते रहे तो एक दिन तुम भी गरीबी में आ जाओगे। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जानते हो क्यों? सोने की कीमत हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि बहुत कम पाया जाता है, जबकि दूसरी धातुएं बहुत सस्ती मिल जाती हैं। ए कुरेश के लोगों, ए कुरेश के मालिकों, देखो मेरे साथ यहाँ बेईमानी हो रही है, कोई तो मेरे साथ इंसाफ करो। क्या हुआ भाई? सैयद बनी आमिर, ये शख्स मेरे साथ बेईमानी और धोखा कर रहा है, वो भी आपके होते हुए। अल्लाह तआला का वास्ता, मैंने कुछ भी नहीं किया। मूसा की कसम इसने किया है, इसने मुझसे पिछले साल खजूरें और जौ खरीदी थी और कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन अगले साल चुका देगा, और जब इस साल मैंने इससे अपने पैसे मांगे तो ये देने से मना कर रहा है। अब आप ही फैसला करिए कि मैं क्या करूं, ये इंसान तो मेरा हक मार रहा है। इससे माल लेकर मैं अपने घर चला गया और ये अपने शहर यत्रिब लौट गया, लेकिन घर जाकर जैसे ही मैंने अपने माल को देखा तो मुझे पता चला कि इसने तो मेरे साथ धोखा किया है। इसने साफ सुथरी और ताज़ी खजूरें तो ऊपर लगा रखी थी और नीचे देखा तो पता चला कि सड़ी गली खजूरें हैं जो सिर्फ जानवरों के खाने के लायक थी। मुझे बहुत नुकसान हुआ। मूसा की कसम ये झूठ बोल रहा है, जब हमारे बीच सौदा हुआ था तो खजूरें बहुत ही बढ़िया थी, इसने सही से उनकी देखभाल नहीं की होगी इसीलिए वो गल गई, इसमें मेरी क्या गलती है। अब्दुल्ला, अगर ये गरीब नहीं दे सकता तो इसे हमारी तरफ से पैसे लौटा दो। अब ये यहूदी बाहर जाकर ये तो नहीं बोलेगा कि खजरज में जाकर इसका कोई हक मारा गया था। तुम में से जो भी झूठ बोल रहा है उस पर लानत पड़ेगी, झूठ बोलने वाला तबाह हो जाए। अल्लाह का वास्ता, अगर अबू जैद ना होते तो मैं आज तुझे यहीं मारता और अपने लोगों को बुलवा के तुझे भी यहां से बाहर फिकवा देता। मुझे मारेगा? तुझे क्या लगता है मैंने चूड़ियां पहनी है? जब वो आएगा तो हम तुम्हें चुन चुन के कत्ल करेंगे, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। वो किसकी बात कर रहा था, कौन आएगा? जब भी उनका अरबों से झगड़ा होता है वो उनके आने की ही बात करते हैं, ये सोचकर कि उनकी मदद से वो सभी लोगों पर राज करेंगे और उनके आने का वक्त करीब आ चुका है। क्या पागल आदमी है। है कोई जो तुम में मेरा मुकाबला करेगा? है कोई ऐसा ताकतवर इंसान? है कोई? जाओ, उमर को बुला कर लाओ। उमर, हमारे बीच में तुम सबसे बढ़िया शायर हो, हमने जितनों को भी सुना उनमें से तुम अव्वल हो। मैंने अलखंसा को सुना है, वो एक वक्त बड़े बुरे दौर से गुजर रही थी मगर जब वो शायरी करती है तो अपने साथ साथ तुम मिली गए। जाओ, उसे दिखा दो कुरेश क्या कर सकते हैं, उससे तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। हाँ उमर, जाओ जल्दी, जाओ दिखा दो उसे। हाँ
यह है कुरैशियों का असली मर्द, ताकतवर, जहीन और जो किसी को भी पल में धूल चटा दे, वो है ये उमर। और तुम में से अगर कोई ये सोचता है कि उमर से जीत जाएगा तो आए मैदान में और आजमा ले कौन ज्यादा ताकतवर है। इस इंसान में वो सारी खूबियां हैं जो ऊपर वाले ने हम कुरैशियों को बख्शी है। ऐ मेरे रब, ये तेरा मुकद्दस घर है, इसके मानने वालों को सभी बुराइयों से दूर रख और हमारी मगफिरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्रा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इक्रा व रब्बुकल अकरम, الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. چچا براقہ ابن نوفل، آپ کو گھر بلایا گیا ہے. تم تو ابو طالب کے بیٹے علی ہو نا، اگر اس وقت مجھے بلایا جا رہا ہے تو ضرور کوئی گمبھیر مسئلہ ہوگا. क्या खदीजा ने तुम्हें बताया कि वो इस वक्त मुझे क्यों बुला रही है? ला। अगर तुम मुझे सच बता रहे हो तो ये वही फरिश्ता है जो मूसा पर भी भेजा गया था. जो भी ऊपर वाले का वो फरमान लेके आया है, लोगों ने उसकी खिलाफत की है. मैं दुआ करूंगा कि ऊपर वाला मुझे इतनी जिंदगी बख्श दे कि मुश्किल की उस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ रहूं. बच्चे, हमेशा अपने भाई का साथ देना, क्योंकि वो फरमान लेके आया है जो दो जहां के मालिक ने उसको देने को कहा है. लगता है अभी जाते जाते बहुत कुछ देखना बाकी है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर व थियाबक फतहिर व रुज्ज फहजुर व ला तमनुन तस्तकथिर صدق الله العظيم.